सो फाइनली मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 9 Pro के फाइनल एंड कंफर्म स्पेक्स के बारे में, जो कि इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, और इस फ़ोन के प्राइसिंग के बारे में और इंडिया रिलीज डेट के बारे में। तो यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को देखते रहे पूरा एंड तक। और Redmi Note 9 Pro का एक और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ चुका है, तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप इन टू द वीडियो। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 6.7 इंच के साथ आने वाला है। और फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन और सुपर एमोलेड का पैनल इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले फुल व्यू डिस्प्ले होगा, जहां पे सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो यार इस फोन का कहीं ना कहीं डिस्प्ले बहुत अच्छा होने वाला है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला है। बात करते हैं रैम के बारे में, तो 6GB 64GB और 6GB 128GB और 8GB 256GB का रैम देखने को मिलेगा। और यार इस फ़ोन का लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस फ़ोन के अंदर हमें NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये फ़ोन आने वाला है Android 10 के साथ, जहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यार इस फोन का कहीं ना कहीं प्रोसेसर बहुत अच्छा होने वाला है। बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो पेंटा कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 108 मेगापिक्सल का, जो कि लेटेस्ट सेंसर है, और सेकेंड कैमरा देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और थर्ड कैमरा देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और फोर्थ कैमरा देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फिफ्थ कैमरा देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में, तो फ्रंट में देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो यार इस फोन का कहीं ना कहीं कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है। बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो 5200 mAh का बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल बैटरी है, और 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है, जहां पे Qualcomm क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यार इस फोन का कहीं ना कहीं बैटरी बहुत अच्छा होने वाला है। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो 16,000 से 18,000 रुपए के प्राइस रेंज पे Redmi Note 9 Pro इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो यार इस फ़ोन का प्राइसिंग बहुत अच्छा है, और इतना कम प्राइसिंग में आप लोगों को डुअल 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और लेटेस्ट कैमरा सेंसर भी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो यार इस फ़ोन का प्राइसिंग बहुत अच्छा है। बात करते हैं इंडिया रिलीज डेट के बारे में, तो फरवरी के सेकेंड वीक पे 2020 में Redmi Note 9 Pro इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो यार इस फ़ोन का रिलीज डेट बहुत ही सामने आ चुका है, और अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं Redmi Note 9 Pro के लिए तो वेट कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।